What's up guys, welcome back to another vlog. Finally, after so many days, I'm riding my fat boy. Though it's raining hard, but still I try to shoot something. If I can shoot something, the ride was not long. We are just going to Kukrola, which is about 10-15 km from Gurgaon. So ride was not an exciting ride, but still there was a lot of rain, so I get wet. तो गीला हो गया, तो फिर मैंने यू टर्न ले लिया था. फिर फ्रेंड का फ़ोन आया, गौरव का, कि यार अब तू निकल ही गया है, भीग ही गया है, तो लेट्स कैच अप. सो अगेन आई स्टार्ट राइडिंग टूवर्ड्स धौला कुआं. आई टेक अ यू टर्न फ्रॉम दिस TND अगेन, और लेट्स सी आगे कैसा मौसम मिलता है. अभी तक तो मज़ा आ रहा है चलाने में, बिकॉज हल्का हल्का भीगा हूँ अभी मैं, और गोप्रो भी अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स सी, रोड वोड तो सारे वेट हैं. और अभी यहाँ से गया था तो बहुत ही बारिश हो रही थी. अब यू टर्न लेके वापस इधर से जा रहा हूँ तो कोई बारिश नहीं है यहाँ पे. बट इतने टाइम बाद फैट बॉय चलाने बड़ा मज़ा आ रहा है. आई थिंक लद्दाख से आने के बाद एक बार चलाई थी मैंने, छोटी सी राइड के लिए, खान मार्केट तक राइड के लिए फैट बॉय. उसका तो मैंने फैट बॉय चला ही नहीं है, तो आज फैट बॉय चला रहा तो मज़ा आ रहा है. अब थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज कोई इलेक्ट्रॉनिक्स तो है नहीं इसके अंदर, एंड इट कैन स्केट ओवर द रोड ईजीली. सिर्फ ABS है इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे इसके अंदर. सो फार सो गुड, अभी तक तो मज़ा आ रहा है चलाने. रोड बिल्कुल खाली है, मतलब TND की ऐसी रोड देखने में बड़ा मज़ा आता है, कि सुबह इसी रोड पे मेरे को एक घंटा लगता है ऑफिस जाने में, और इस टाइम दूर दूर तो कुछ नहीं दिख रहा है. अच्छे आश्रम पर तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी, तो पूरा गीला हो गया. यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो रही है अभी भी. गौरव ने तो इंसिस्ट किया था, मैं जा रहा हूँ, तो मैं यू टर्न ले चुका था. आज का दिन बड़ा खतरनाक होने वाला है बारिश के हिसाब से. तो काफ़ी बाइकर्स ऐसे दिख रहे हैं, लोग राइड कर रहे हैं, जा रहे हैं उस तरफ. आई डोंट नो, उस तरफ तो जा रहे हैं, बट इस तरफ बारिश है कि नहीं है. ऊपर तो दिख रहा है, बादलों को देखिए बारिश 100% है. और गौरव बोल रहा है उसके यहाँ पे बूंदे क्या, मतलब बादल भी नहीं है गुड़गांव में, ऐसा कैसे हो सकता है. सो आई रीच मोती बाग, यहाँ तो एक बूंद भी नहीं गिरी है. आई डोंट नो, बट सरप्राइज है ये कि यहाँ पे एक बूंद क्यों नहीं गिरी है. पीछे पूरा गीला हो गया मैं और यहाँ कुछ भी नहीं है. तो धौला कुआं तो पहुँच गए हम लोग. ये आ गया धौला कुआं, सूखा पड़ा हुआ है धौला कुआं. ट्रैफिक तो मिलना ही है, धौला कुआं का मतलब दूसरा नाम ट्रैफिक कर देना चाहिए. सुबह 6 बजे भी इतना ट्रैफिक है. सुबह इतने छपरी मिलते हैं, ये R15 वाला एक बगल से ऐसे निकाल के लेके गया, तो पता नहीं मतलब आज ही ये पूरे दिल्ली को पछाड़ रहे हैं. MBS मॉल में क्या माहौल है, दुनिया भर के सारे छपरी वहाँ पर आए हुए होंगे. सो आई गॉट द कॉल फ्रॉम जितेश ऑल्सो, बोला सब्वे के पास ही का पूरा फुल माहौल होता है यहाँ पे, पूरा धमाल. देखो मैं दिखाऊंगा आपको आज कि एक साथ कितने छपरी, देखो दो छपरी दिखे आपको, ये देखो यहाँ पे विली और आपको मिलेंगे, ये देखो कहाँ मिलेंगे, ये देखो यार छपरी पन देखो पूरा. किधर है जितेश, भाई साहब बड़ा मुश्किल हो गया ढूंढना. किधर है. सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस वाइट एंड रेड मीटियोर. I'll just go close and just give you a look of that meteor. Well, it is very tastefully modified. Yeah.
यहाँ सोना के पास पहुँचे हैं तो यहाँ पे आई फील लाइक कि रेन होगी और थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरने लगी हैं। तो वही गूगल पे भी यही अपडेट था कि 8 बजे से बारिश होनी है, तो हाई प्रिज्यूम कि 8 बजे से होगी, तो पहले जो तो मैं राइड कर लूँगा एंड आई रीच ए गौरव प्लेस, सो बोथ द वर्क विल बी डन विद द रेन फॉर 2-3 आवर्स, तो वन द रेन गेट शट डाउन तो वापस मैं घर पहुँच जाऊँगा। बट स्टिल आज भीगना था, आज भीग गए, बट स्टिल यहाँ भी अच्छा मौसम हो गया बारिश वाला, तो आई थिंक जब हम पंचगांव पहुँचेंगे तो यहाँ ज़बरदस्त बारिश हो रही होगी, तो वील रीच पंचगांव इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स ओनली, वी विल हैव अ लिटिल ब्रेकफास्ट, उसके बाद में आई विल गो टू गौरव प्लेस, और तो गौरव एम्बियंस पहुँच गया, थोड़ा लेट हो गया वो, तो ही जस्ट फॉलोइंग अस, तो पीछे ही होगा आ रहा होगा जो निंजा पे है, तो कैन ईजली कैच अस। Thank you.